दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे सही जोशी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 10 बजे से, मतलब 10 बजे नहीं अभी 9:30 हो रखा है और मैं जा रही हूँ हल्द्वानी को। तो बस अभी बस पकड़नी है हमको, वहाँ पर रुकी हुई है, स्टेशन जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। एक गौरू फ्रूटी पी रही है और दीदी जा रही है मेरे को छोड़ने के लिए आगे तक स्टेशन तक। गौरू तो मना कर रही थी रो रो के, बहुत मुश्किल से मनाया है इसको। गौरू हाय तो कर दो, आई कर दो। चलो आप तो खुश है गौरू, है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। सुबह हल्द्वानी तो पहुंच गई हूँ मैं। आज बहुत सारा जाम मिल गया था रास्ते में, तो इस वजह से बहुत लेट भी हो गया। शाम मतलब 3:30 होने वाला है और अब हम पहुंच गए हल्द्वानी। तो अब मुझे जाना है, देखते हैं अभी कहाँ जाना है। पहले कुछ खाती हूँ, बहुत भूख लग गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं अभी आ गई हूँ फिर से ताई जी के घर पे। उन्होंने बोला कि यहीं रह, आज मतलब नाना जी का बर्थडे है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे, यहीं रह लेंगे थोड़ी देर। तो अब हम लोग कल जाएंगे यहाँ से, संदीप जी और मैं। तो अभी वो तो थोड़ा कुछ काम के लिए गए हैं उधर पुराना रूम में, और मैं और चाय वाय पी लिए सब, अंदर ताई जी लोग सब बैठ रहे हैं। तो अभी मैं तो बाहर से हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लो घर, बहुत ही सुंदर बना रखा है। अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, वैसे तो आप भी देख ही जाओगे जितने मेरे वो हैं सब्सक्राइबर, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सबने देख लिया है। फिर भी कभी एक दिन अच्छे से डेकोरेशन हो जाएगी ना तो सोचूंगी। फिर अभी देख लो ये घर नया बना रखा है, इसी का मैं उस दिन दिखाई थी ना आपको कि मैं कहाँ आई हूँ, तो यहीं आई थी। अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ब्लॉगिंग ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना मैं आपको बैक एरिया दिखाती हूँ यहाँ का, थोड़ा सा कौन सा एरिया है आप लोग बताना कॉमेंट करके। एक डॉग आ रखा है यहाँ पर, आ जा ले, ओले ओले, काटना मत, हाँ काट भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये है कुछ यहाँ का इलाका, सब खाली खाली है पूरा आसपास, देख सकते हो आप लोग। आप लोग देख लो बाहर अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। अभी मैं हूँ किचन में एंड आज बन रहा है मटर पनीर एंड, तो मेरी ड्यूटी सब्जी बनाने की है। मतलब अभी तो मैं सिर्फ मसाला ही तैयार कर रही हूँ, उसके बाद देखेंगे मेरे हस्बैंड भी सब्जी बना सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है खाना बनाना एंड वो टेस्टी भी बनाते हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं तो नमक मिर्च ऊपर नीचे हो सकता है मुझसे, तो वही बनाएंगे, नमक मिर्च डालेंगे। तो मैं सिर्फ मसाला तैयार कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने मतलब टमाटर प्याज वगैरह भून रही हूँ सब, ये काट तो दिया था मौसी लोगों ने। तो अभी मैं सिर्फ इसको फ्राई कर रही हूँ, मसाला तैयार करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आटा भी भून दिया है मौसी जी ने। ठीक है, इसके बाद जो जो उतरेगा फिर मिल। तो आधा मसाला तो ये है, आधा मैंने ठंडा करने यहाँ रख दिया है, उसके बाद इसको पीसेंगे फिर बनाते हैं। तब तक मैंने यहाँ पे मटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, मटर पनीर बनेगा आज। थोड़े से काजू भी निकाल रखे हैं, इसका भी पेस्ट बनाएंगे। सुबह सारी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, बस अब मटर पनीर बनाने की देरी है। यहाँ पर ग्रेवी बन चुकी है, ये ममता दीदी हेलो करो। और ये इनका किचन दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बना रखा है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। इनका कलर भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, रेड एंड वाइट का। तो चलो अब थोड़ा सा खाना पीना बनता है, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। मास्टर शेफ रेडी हैं खाना बनाने के लिए, मतलब पनीर बनाने के लिए। प्रिपरेशन तो हमने सब कर ही दी है, बस बनाना ही है, नमक मिर्च बनाना है बस। जीरा डाल दिया इन्होंने, खड़े मसाले कहाँ रखते हैं? अभी तेजपत्ता निकाला था यार ताई जी ने, पता नहीं कहाँ ये है तेजपत्ता। ये देखो ये है शायद, आई थिंक यस यही होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हुई नाना जी के बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा था, तो नाना जी को बाहर लाए और थोड़ा सा उनको चलने में प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे उनको बैठा दिया है कुर्सी में। और उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, जैसे ही देखो सेलिब्रेशन होता है हाथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो नाना जी भी, ताई जी के जो पिताजी हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, बाकी सब लोग वीडियोज़ बनाने में फ़ोटो बनाने में व्यस्त हैं, और मैं भी वीडियो शूट कर रही थी सभी लोगों का। यहाँ पे केक कटिंग होगी अभी और सब लोग यहाँ पे रेडी हैं। तो यहाँ पर बहुत ले लो।
उसके बाद यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन एंड सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बर्थडे पार्टी को। तो नाना जी हैं वो भी बहुत खुश हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पे सबने फिर बारी बारी से उनको केक खिलाया, और हम ये मेरे हस्बैंड हम दोनों ने भी उनको केक खिलाया। ये मामा मामी हैं ममता दीदी के, तो उन्होंने भी केक खिलाया। फिर पूरी फैमिली एक एक करके आ रहे थे और बहुत ही यहाँ पे कॉमेडी भी हो रही थी। तो सब लोगों ने केक खिलाया एक एक करके और पार्टी यहीं पे एंड हुई। और उसके बाद सब लोगों ने खाना पीना खाया और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड भी करती हूँ। साथ में सबने आज पूरी बनाई थी और बाद में फिर रोटियाँ भी बनाई गई। तो यहाँ पे ये मामी जी और मौसी यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके साथ साथ मैं पूरियाँ बेल दे रही हूँ और मौसी यहाँ पे तल रही थी, उधर मामी खाना सर्व कर रही है सबको। तो इस तरह से आज का दिन हमारा पूरा हुआ और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा। बाकी यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी, पनीर, पूरी और रोटी, मैं तो दो रोटी खा रही हूँ, पूरी ज़्यादा नहीं खाती इस वजह से। तो यहाँ पे सब लोग खाना पीना चल रहा है। दोस्तों अंदर जो है बर्थडे भी मना लिया है नाना जी का और बहुत अच्छे से सब लोगों ने केक वेक सब कटिंग हो गई है, सब लोगों ने केक भी खा लिया है। तो आज के व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।